हेलो एवरीवन, अब हम मैंगो को कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक सीक्रेट तरीके से, क्योंकि आम किसे नहीं पसंद होती है, सभी को ये बहुत पसंद होती है, लेकिन ये साल भर मिलती नहीं, इसलिए इसे हम स्टोर करके रखेंगे। तो फिर इसे कैसे स्टोर करना है ये देख लेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ले लिए हैं ये जामुन, क्योंकि ये बस साल में एक बार मिलती है, तो फिर इसे हम कैसे स्टोर करके रख सके ताकि कभी भी इसे हम इंजॉय करें। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर ले लिया है और इस तरह से आम को काट लिया। आप चाहे तो कांच की भी ले सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना हमें। तब ये देखे फ्रेंड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने यहाँ पे मैंगो को काट लिया है। आप ये ना समझे कि ये पके आम है, बिल्कुल कच्चे हैं ये, बिल्कुल इसका कलर आ गया है, क्योंकि अभी लास्ट सीजन चल रहा है इसलिए। अब इसे स्टोर करने के लिए मैं थोड़े से इस पर नमक छिड़क दूंगी, थोड़े थोड़े हर तरफ हमें घुमा के नमक छिड़क देने हैं इसके ऊपर, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इस तरह से इसे हमें रख ले रहे हैं और इसका ये हमें लिड लगा देना है और इसे हमें फ्रीजर में रख देना है। कभी भी जब आपका मन करे तो आप इसे फ्रीजर से निकाल के आप इसकी चटनी बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ ले ली है मैंने आम, इसको भी इस तरह से हमें छील लेना है, इस तरह से इसे भी हम अच्छे से इसके छिलके को निकाल लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने ले लिया है एक कंटेनर प्लास्टिक का और इसमें इस तरह से आम को कट करके हमें छोटे छोटे पीसेज करके डालने हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीसेज करके इसके डाल देंगे। इस तरह से सबको हम काट के इसमें रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंगो भी मैंने पूरे डब्बे में काट के रख लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेज में। अब इन्हें स्टोर करने के लिए मैं इसके ऊपर से ये थोड़े से शक्कर छिड़क दूंगी, जो कि इसके कलर को बरकरार रखेगा, कलर इसका डल नहीं होगा। आप कभी भी जब इसे निकालेंगे तो इसी तरह से आप इसका कलर पाएंगे, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट भी और कलर भी बिल्कुल आपको नेचुरल मिलेगा, इसमें कोई भी आप डाउट ना रखें। इस तरह से एक दो स्पून हम छिड़क देंगे शक्कर को। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ, तो लगभग एक दो स्पून, दो स्पून हो गया ये। इस तरह से हमें कवर कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गई हमारी मैंगो यहाँ पे स्टोर करने के लिए तैयार। इसे भी मैं लिड लगा के फ्रीजर में रख दूंगी स्टोर होने के लिए। बची है यहाँ पे हमारी जामुन, तो उसे भी हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम काट लेंगे। कभी भी आप इसका इस आइसक्रीम बना के इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो इसके जूस बना सकते हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके डायबिटीज वालों के लिए, नॉर्मल भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। जब इसका सीजन हो तो ज़रूर आप इसे इंजॉय करें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैंने कट करके रख लिया है डब्बे में। आप चाहे तो स्टील का डब्बा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ, दूसरा कोई भी आपको नहीं लेना है।
प्लास्टिक ले, कांच ले या फिर स्टील भी ले सकते हैं। इसमें भी मैं थोड़े से शुगर छिड़क दूंगी जिससे इसका कलर नेचुरल बना रहे। इस तरह से बस थोड़े थोड़े हमें छिड़क देने हैं। बस यहाँ पे आधा स्पून मैंने ये शक्कर छिड़क दी है। अब इसे भी मैं बंद कर दूंगी लेडीज का। ये हमारे तीनों डब्बे तैयार है यहाँ पे स्टोरेज के लिए। इसे हम फ्रीजर में डाल के रखेंगे स्टोर होने के लिए। तो ये मैंने जो मैंगो पिछले साल स्टोर करके रखा था, ये मैंगो है। अब इसे मैं आपको एक मिल्क शेक बना कर दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने ये गोंद कतीरा ले ली है। ये गोंद कतीरा, गोंद अलग होता है और गोंद कतीरा अलग होता है। ये इस तरह से दिखते हैं। इन्हें भिगाना है तो मैं पहले से भिगो के रखी हूँ। बस इतना ही भिगोइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फूल के बहुत सारे हो जाते हैं। और बड़े बर्तन में डाल के, जैसे बड़ा कटोरा में लेके, और पूरे कटोरे को पानी से भर देना है। रात भर हम छोड़ देंगे और कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये भीगने के बाद बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। मुंह में आपको छाले पड़ जाए या पेट में गर्मी हो जाती है कभी कभी, जिसे मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो ये गर्मी में तो आप ज़रूर से इसका सेवन करें, कुछ ना कुछ इसका ड्रिंक बना के, या ऐसे भी कुछ जूस वगैरह में भी आप इसे डाल के पी सकते हैं। कैसे भी इस तरह से आप इसे कंज्यूम करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंगो मिल्क शेक बनाने वाले हैं, उसके लिए ये थोड़े से जो हमने स्टोर करके पहले से रखे हैं आम के, उसमें से ये निकालूंगी। तो ये पूरे जमे हैं, तो इस तरह से ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आम के वैसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ मैंने जो स्टोर करने के लिए मैंगो में चीनी डाली थी, तो यहाँ मैं चीनी अब नहीं डालूंगी, क्योंकि भले ही आप कम डालें इसे शेक बनाने के टाइम में, लेकिन पहले इसमें ज़रूर डालें इसे स्टोर करने के लिए। अब इसमें जाएगी ये एक इलायची कुटी हुई है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। परफेक्ट कलर भी आ गया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी, तो उसके लिए मैंने ले ली है ये सर्विंग ग्लास। इसमें सबसे पहले मैं ये सब्जा सीड्स है ये डालूंगी, इसे मैंने भिगो दिया था, तो ये मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले एक स्पून डाल दिया मैंने। अब मैं डालूंगी ये गोंद कतीरा जो मैंने भिगो के रखा था, ये भी एक स्पून भर के मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जूस, अब मैं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन ऊपर से करूंगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये गोंद कतीरा, बहुत ही फायदेमंद है। आप ज़रूर से समर सीजन में इसका यूज करें। ये डाल दिया मैंने जो बेसिल सीड्स है वो, ये भी वेट लॉस में बहुत ही कारगर है। थोड़े से मैंगो के पीसेज डाल देने हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से हम गार्निशिंग कर देंगे इसकी। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने मैंगो स्टोर करके रखी थी, उस मैंगो पीसेस से हमने कितना अच्छा टेस्टी डिलीशियस मैंगो मिल्क शेक बना के तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो मैंगो को स्टोर करने का, और चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक हेल्दी रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।